हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम 15 सितंबर 2020 के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने डाले थे टेलीग्राम पे, उन सब का एनालिसिस करेंगे। बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट मेगास्थनीस। मेगास्थनीस के बारे में सही ऑप्शन बताइए। पहला सेंटेंस है हमारा, ही वॉज द फर्स्ट फॉरेन इन्वॉई। पहले फॉरेन इन्वॉई थे। इन्वॉई एक तरीके से आप कह सकते हैं एम्बेसडर जो होता है ना, एक तरीके से एम्बेसडर डिप्लोमेट्स। वो ही रोट अ बुक इंडिका। इंडिका नाम की किताब, पुस्तक उन्होंने लिखी, विच एक्सप्लेन्स द रेन ऑफ बिंदुसारा, जो कि बिंदुसारा के जो रूल था उसके बारे में व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन देता है। He came from Greek Empire. वो ग्रीक एम्पायर से आए थे। So the first statement is correct. The second statement is which we definitely talk about. He wrote a book Indica. Indica book उन्होंने लिखी थी, बिल्कुल सही। It explains the reign of Bindusara. Here's the real play comes. Because जो मेगास्थनीस आए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे। ही केम ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य। तो हाउ ही कैन एक्सप्लेन द राइन ऑफ बिंदुसारा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसारा आए थे। बिंदुसारा के टाइम पे कौन आए थे फिर? देमाचूस, ठीक है। तो मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे, नॉट ड्यूरिंग बिंदुसारा। थर्ड स्टेटमेंट है ही केम फ्रॉम ग्रीक एम्पायर, एब्सोल्यूटली करेक्ट। सो द फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट and the second statement is incorrect. The answer should be D. Which of the following game was originally called as Mokshpat? Mokshpat jo khel tha wo originally kise kaha jata tha? And ye tha jo saap siddhi ka game aap nahi khelte, snakes or ladders ka. The game of snakes and ladders was called as Mokshpat. You should remember that. Choose the correct option. Sahi kathan ka chayan kare. The first statement is Lilavati was translated into Persian by Fezi. Fezi ne Lilavati ko Persian mein translate kiya. The second statement is Akbar ne aadesh diya to make mathematics as a subject of study in the education system. Akbar ne aadesh diya ki mathematics ko ek vishay banaya jaye study ka shiksha vyavastha mein, us time ke education system mein. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने मिडिवल इंडिया पढ़ रखी होगी तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सीधे साधे जो है आपके सामने लगेंगे। कोई डिफिकल्टी आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। महात्मा गांधी कॉल्ड हिम एज पुलाकिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सन, सम वन, एंड द पर्सन वॉज कॉल्ड एज पुलाकिंग बाय महात्मा गांधी। और उसी पर्सन को, उसी आदमी को द इंदिरा गांधी डिस्क्राइब्ड हिम एज India's greatest son. So here are the two sets of information given about him. और उससे हमें आंसर निकालना है कि वो किस आदमी की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है चोंगलुंग सुकापा who founded the kingdom of अहोम। अहोम का राज्य जिन्होंने फाउंड किया था चोंगलुंग सुकापा, वो है। दूसरा महात्मा अयंकली। तीसरा ईवी रामस्वामी। चौथा टीपू सुल्तान। तो एलिमिनेशन कर सकते थे आप, क्योंकि टीपू सुल्तान के बारे में ऐसा कुछ कभी कहा नहीं गया है। दूसरी बात, चालुंग जो सुकापा है हु फाउंडेड द किंगडम ऑफ अहम, फाउंडर ऑफ अहम किंगडम, उनके बारे में कई बार गलत बातें की जाती है। मतलब उनको कभी कोई जो मिनिस्टर से अभी स्टेटमेंट आए थे तो उनको कभी कुछ कुछ गलत भी बोल दिया जाता है। तो इनको और ये कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी हाल ही में। तो अगर आपने न्यूज़ पढ़ी होगी तो इनको तो नहीं, इसलिए मैंने इनका नाम चला के लिखा था, तो इनको तो नहीं कह सकते, ठीक है। बचा बी और सी। तो जब भी ऐसा हो आपके सामने, एलिमिनेशन के लिए दो ऑप्शन चले जाएं और दो ऑप्शन बचे, तो आँख, या तो आप श्योरिटी से एक टिक कर लीजिए दोनों में से। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, आँख बंद करके एक टिक कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी यही कहेगी कि आपके जो हैं कहीं ना कहीं, अगर आपने 10 क्वेश्चन में से ऐसे कर दिए, दो ऑप्शन बचे थे जिनमें आपने एक आँख बंद करके टिक लगा दिया, तो आपका जो है एक नेट गेन मिलेगा। लेकिन हर जगह ये लागू नहीं होता। जहाँ पे एलिमिनेशन हो चुका, अब आगे दो ऑप्शन में कुछ हो ही नहीं रहा, तब लागू होता है। वरना गैसेस तो
करते ही रहने हैं आपको, इंटेलिजेंट गैसेस आपको करने ही होंगे, और हर क्वेश्चन में गैस भी नहीं हो सकता, तो नॉलेज बेस के साथ गैस के साथ करते रहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। अरेबियन सी जो है बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा साइक्लोन लेके आता है, करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है, साइक्लोन्स गेन देयर एनर्जी फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर जनरेटेड फ्रॉम वार्म ओशन सर्फेसिस। साइक्लोन्स उनकी ऊर्जा लाते हैं हीट और मॉइस्चर से, जो कि वार्म ओशन सर्फेसिस से आती है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ज़रूरत है तो चीज़ों को रिवाइज करने की, और बहुत सारे लोगों ने किया भी है। एक बात यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, साइक्लोन्स अरेबियन सी में कम क्यों आते हैं, उसके लिए जान लीजिए। आपने पढ़ा भी होगा साइक्लोन्स की कंडीशन कौन सी होती है, 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए, लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, और जिसको लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं। वर्टिकल जो वाइंड स्पीड होती है, वर्टिकल जो वाइंड ऊपर नीचे जा रही है, उसमें स्मॉल वेरिएशंस होने चाहिए। और जो अबोव सी लेवल का सिस्टम है, जो बिल्कुल सी लेवल के ऊपर है, उसमें डाइवर्जेंस होना चाहिए, नीचे कन्वर्जेंस और ऊपर डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस होके जो मॉइस्चर है वो नीचे आ जाएगा ना वापस, फिर वापस वो साइक्लोन सर्कुलेशन बन जाएगा। नहीं समझ आ रहा हो तो डायग्राम देख लेना, फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। ऊपर जाके हवा जो है वो डाइवर्ज हो रही है, जो मॉइस्चर है वो एयर जो होती है वो डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे समझने लायक थी, आपने समझी होंगी। एक चीज़ यहाँ पे मान के चलिए, सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 27 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे ही अगला क्वेश्चन हमारा है। और लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए, लो प्रेशर सिस्टम बनना चाहिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। पहला स्टेटमेंट है, बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। देखिए एक बात समझिए, क्लाउड फॉर्मेशन जब होता है साइक्लोन में, उससे पहले वाटर हीट लेगा एटमॉस्फेयर में से, तभी तो वाटर में बदलेगा। हीट जरूरी है ना, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा है कि वाइंड स्पीड, वाइंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब साइक्लोन्स को डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल करेक्ट। ये सब अपन ने पढ़े थे अभी, वाइंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेट, ह्यूमिडिटी। तीसरा स्टेटमेंट थोड़ा फोकस का था, चला के मैंने इसको थर्ड स्टेटमेंट में डाला, ताकि आप इतना सब कुछ पढ़ के इसको जनरल क्वेश्चन मान लें और तीनों के तीनों स्टेटमेंट आप जो है देखिए बिल्कुल सही है, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान से आपको हमेशा से पढ़ना है, कितना भी इजी क्वेश्चन हो मैं आपको हमेशा से बता चुका हूँ। तो थर्ड स्टेटमेंट मेरा था कि साइक्लोन इज द फॉर्मेशन ऑफ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड वाइंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। हाई स्पीड वाइंड तो ठीक है, लेकिन हाई प्रेशर सिस्टम कहाँ पड़ा बताओ, लो प्रेशर सिस्टम होना चाहिए ना भाई। लो प्रेशर होता है तभी तो हवा उठती है, प्रेशर जब लो होगा तभी तो भाई। लो प्रेशर का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी, वो जो एयर के मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे भाई, एक जगह मॉलिक्यूल्स अगर रहेंगे तो प्रेशर हाई नहीं हो जाएगा, इधर उधर भागेंगे तो लो प्रेशर रहेगा, स्पेस रहेगी ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो लो प्रेशर रहेगा तभी तो हवा में उड़ेंगे, लो प्रेशर रहेगा तभी तो हवा में वो उड़ेंगे। तो साइक्लोन जो है उसमें लो प्रेशर सिस्टम होना चाहिए, और ये तो मैंने अभी बताया, और बच्चों को ये तो बेसिक चीज़ है तो ये तो पता होनी चाहिए थी। लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि तीनों स्टेटमेंट सही लग रहे थे, लेकिन ध्यान से करते तो बहुत सारे बच्चों का सही भी हुआ है, 49% बच्चों का सही हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है, 932 लोगों ने आंसर दिया। बाकी थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीज़ों का कि एक एक वर्ड पे फोकस करके चलें। अब वो ज़माना गया जब आप ऑल ऑफ द अबव कर सकते थे साइंस में, इन्वायरमेंट में, अब लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट सेस्मिक नॉइज। सेस्मिक नॉइज के बारे में सही स्टेटमेंट बताइए। सेस्मिक नॉइज जानते हैं ना, जो वाइब्रेशन होता है ग्राउंड का, उससे जो आती है, तो पहला स्टेटमेंट तो ये करेक्ट है। इसको नापते का इसे हम सेसीमीटर से, ये भी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जो अर्थक्वेक और वोल्केनो से जो आती है ना ग्राउंड मोशन, उनको सेसीमीटर से हम नापते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसमें वाइब्रेशन वो नहीं होते जो ह्यूमन एक्टिविटी से निकलते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए था, क्योंकि देखो क्या है, सेस्मिक नॉइज किसकी आवाज़ है, वाइब्रेशन ग्राउंड का, तो ह्यूमन एक्टिविटी जब होती है ग्राउंड में, जैसे खदान होती है, माइनिंग होती है, तो वाइब्रेशन तो आएंगी। तो जब हम ग्राउंड का वाइब्रेशन ले रहे हैं तो सेस्मिक नॉइज़ तो होएगी, तो ह्यूमन एक्टिविटी क्यों नहीं होगी इसके अंदर। ह्यूमन एक्टिविटी भी होगी और नेचुरल एक्टिविटी भी होगी। ये न्यूज़ में क्यों था, कोरोना वायरस हुआ,
लॉकडाउन हुआ, ह्यूमन एक्टिविटी रुकी, तो जो साइंटिस्ट थे जो ज़मीन के 100 मीटर पता नहीं मुझे डिस्टेंस याद नहीं है, 100 मीटर शायद, उसके नीचे जाके सेस्मिक नॉइस नापते थे सेस्मोमीटर से कि वाइब्रेशन कहाँ से आ रहा है, पता चल जाता ना अर्थक्वेक आ रहा है, वोल्केनो डिसरप्ट हुआ है, इरप्ट हुआ है, तो सेस्मोलॉजिस्ट करते रहते हैं सब चीज़ें। तो लॉकडाउन जब हुआ तो ह्यूमन एक्टिविटी नहीं थी, नीचे क्यों जाते थे इतना नीचे ज़मीन से, ताकि ह्यूमन एक्टिविटी जो ऊपर हो रही है उनसे थोड़ा बच सके, डिफ्रेंशिएट कर पाए ना नोइसेस से। बगल में अगर ह्यूमन एक्टिविटी चल रही है और नोइस आए वोल्केनो की जैसी उस एक्टिविटी से, अर्थक्वेक की जैसी, तो दिक्कत हो सकती है ना पहचानने में। तो जब ह्यूमन एक्टिविटी रुक गई तो नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर आके जो है सरफेस पे ही उन्होंने आराम से चेक करना शुरू कर दिया, तो ह्यूमन एक्टिविटी का जो वाइब्रेशन है वो रुक गया, तो सेस्मिक नॉइस पहचानने में आसानी हो गई। तो ये सब चीज़ें न्यूज़ में थी, आपने पढ़ा होगा। तो ह्यूमन एक्टिविटी भी इसमें आती है और नेचुरल एक्टिविटी के द्वारा हुए वाइब्रेशंस भी इसमें आते हैं। पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। बेलीज बीड नाम का फिनोमेन किसके साथ जुड़ा हुआ है, अभी सोलर इक्लिप्स आया था, बहुत सारे न्यूज़ वाले कवर कर रहे थे लाइव 24 घंटे कर रहे थे ना, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, टोटल सोलर इक्लिप्स के साथ जुड़ा हुआ है। टोटल सोलर इक्लिप्स में आप देखोगे तो एक बीड टाइप बन जाती है, जब चंद्रमा आ जाता है उसके सामने, सन के सामने, तो जो सर्किल सर्कमफेरेंस रहता है ना वो बीड जैसा दिखाई देता है, कोई माला जैसा दिखाई देता है, इसलिए बेलीज बीड है। फोटो में देख लेना एक बार, है ना। वेस्टर्लीज को क्या क्या कहते हैं, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिंकिंग 60s, सब कहते हैं 1, 2, 3। चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट, अराकू वैली न्यूज़ में थी, विशाखापट्टनम में है और ओटी ऑफ आंध्रा कहते हैं इसको। इनकरेक्ट बताना था तो डी करना था, इनकरेक्ट करेक्ट प्लीज़ पहले पढ़ लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन में, चाहे यही क्यों नहीं बोले कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट को कौन करता है, कैसे इलेक्शन होता है, कितनी भी चीज़ें हो, कितनी भी ईजी चीज़ें हो, कितना भी ईजी क्वेश्चन हो, इनकरेक्ट जरूर पढ़िएगा। तो इनकरेक्ट बताना था, डी आंसर होना था, बहुत सारे बच्चों ने देखा नहीं तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट पढ़िए, आपके भले के लिए कह रहा हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शन हर्षवर्धन, तो इनकरेक्ट का ध्यान अब इसमें भी रखिए, करेक्ट ऑप्शन बताना है हर्षवर्धन के बारे में। टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी अपनाई इन्होंने, बिल्कुल सही, इनिशियली बुद्धिस्ट थे, शैविज्म की तरफ बढ़ते चले गए बाद में, गलत, बताऊंगा अभी क्यों। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागंडा, ये सब इन्होंने लिखी थी, ये सब लिटरेचर, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि शैविज्म पहले थे, ये शैविज्म को फॉलो पहले किया था, और बुद्धिस्ट बाद में थे, बुद्धिज्म की तरफ बाद में बढ़ते चले गए। तो थोड़ा सा याद रखिए ये सब चीज़ें। हर्षवर्धन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एक बात तो समझ आ जानी चाहिए कि जब वो बुद्धिस्ट अगर हैं तो टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी भी अपनानी चाहिए, है ना। तो ये तो एक लॉजिक आपको यहाँ पे डेवलप हुआ, बाकी बातें मैं आपको बताऊँ तो हर्षवर्धन का जो रूल था वो एंशियंट और मिडिवल टाइम के बीच का ट्रांजेक्शन था, एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ता जैसा ही था, फ्यूडल और डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। लैंड ग्रांट जाते थे प्रिंट को, सबसे बड़ी बात ऑफिशियल्स को ग्रांट जाने लग गए लैंड के चार्टर के द्वारा इशू करके, इसी पीरियड में शुरू हुए थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि लैंड जो ग्रांट था ऑफिसर्स को देना शुरू कर दिया बाय इशूइंग चार्टर्स, इट वाज स्टार्टिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। इतने सारे कॉइन्स नहीं आए इस राजा के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। लॉ एंड ऑर्डर इतना सब कुछ स्ट्रिक्टली नहीं था, सजाएं भी इतनी सीवरिटी नहीं थी, क्योंकि बुद्धिज्म को फॉलो करते थे ना, तो टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी थी, सजा भी इतनी कड़क नहीं देते थे, थोड़ी सहनशीलता अपनाई, टॉलरेंट पॉलिसी थी। ह्वेनत्सोंग आया, 15 साल रह के गया, नालंदा में पढ़ के गया, अच्छे से बता के गया, फा हेन से ज़्यादा इन्होंने डिटेल दी ह्वेनत्सोंग ने, ठीक है। और हर्षवर्धन इनके द्वारा ही इन्फ्लुएंस में आके बुद्धिज्म को सपोर्ट करने लग गए थे, और काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट भी दिए, प्रेजेंट्स भी दिए, इनोलमेंट्स भी दिए, अलाउंस ये इनोलमेंट्स भी दिए, और सिंपल लाइफ देते थे ब्राह्मीण और क्षत्रिय। नोबल और प्रिस्ट थोड़े से लग्जरियस जो है उसकी तरफ बढ़ने लग गए, ठीक है। जो नोबल और जो प्रिस्ट होते थे, जो आपके मिडिल लेवल के अधिकारी होते थे, नोबल वगैरह जो राजा से थोड़े नीचे होते थे, शुद्र एग्रीकल्चर बन गए थे, शुद्र एग्रीकल्चर में समा आने लग गए थे धीरे धीरे, अनटचेबल्स आने लग गए थे, गांवों से निकल निकल के गांवों के बाहर से अनटचेबल्स आने लग गए थे। और नालंदा में पढ़ के गया था, खुद संग मैं बता दिया हूँ, और महायाना स्कूल फेमस हो गया था, कन्नौज में असेंबली की थी, उसके बाद प्रयाग में की थी हर्षवर्धन ने, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे पृष्ठ आए थे, अलग अलग तरह के सेक्ट के आए थे, महायाना बुद्धिज्म की बात की थी, और ठीक है ये सब चीज़ें थी। तो हर्षवर्धन भी आपका रिवाइज हो गया, थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। सत्वाहाना ने इशू किए क्या,
गोल्ड कॉइन, ब्रॉन्ज कॉइन, कॉपर कॉइन्स, ब्रॉन्ज कॉइन और कॉपर कॉइन किए थे, गोल्ड नहीं किए थे, गोल्ड की बुलियंस इशू की थी। तो सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेट, सेकेंड ऑप्शन और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो बी सही है, गोल्ड कॉइन इशू नहीं किए थे, तो बी सही है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, नहीं तो आज ही वीडियो बना दूंगा मैं इसकी, कोशिश पूरी करूँगा कि अगले डे का भी हो जाए। कैसा लगा वीडियो, धन्यवाद, गुड बाय, सब अपना ख्याल रखिएगा।